टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। बुलंदशहर में गालीबाज सीएमएस का ऑडियो वायरल हो रहा है। डॉक्टरों की शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को फोन पर हड़का रहा है आरोपी सीएमएस। अभद्रता के साथ सीएमएस ने पीड़ित को दी गंदी गंदी गालियां। सीएमएस ने शिकायतकर्ता को दी भुगत लेने की धमकी। पीड़ित ने सीएमओ से की थी सिकंदराबाद सीएचसी में समय अनुसार डॉक्टर्स के ना पहुंचने की शिकायत। शिकायत से बौखलाया सीएमएस ने फोन पर खोया आपा। पीड़ित ने सीएम पोर्टल पर की सीएमएस की शिकायत। मेरा नाम अरविंद शर्मा है, मैं एडवोकेट हूँ डिस्ट्रिक्ट बार में बुलंदशहर। और मैं पिछले एक महीने से अपनी भाभी के इलाज के लिए सिकंदराबाद सरकारी अस्पताल में आ रहा था, जहाँ की डॉक्टर टाइम पर नहीं मिलते थे मुझे। उसके लिए मैंने फ़ोन पर सीएमओ महोदय से शिकायत की और वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक से भी, जहाँ से मुझे कोई भी सुविधा संतोषजनक समाधान नहीं मिला। इसके लिए मुझे मजबूरी में लिखित में एप्लीकेशन देनी पड़ी, जिससे डॉक्टर सारे नाराज़ हो गए। और जब मैं 21 तारीख को वहाँ इलाज करवाने गया तो सारे डॉक्टर मेरे पर भड़क गए और मेरे साथ शब्दों का प्रयोग किया, बुरा व्यवहार किया और मुझे यहाँ से रेफर करके जिला अस्पताल भेज दिया गया। जिस पर सीएमओ साहब की कार्रवाई के बाद कल रात 9 बजे मेरे पास धमकी भरे फ़ोन आने शुरू हो गए। डॉक्टर साहब ने, जो यहाँ के एपी सिंह है मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी। सर, ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, दो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा, जिसमें कि मैं अपने महिला सीनियर अधिवक्ता से बात कर रहा हूँ, उस टाइम उन्होंने गाली बकी है मुझे जी, बहुत गंदी गंदी गाली बकी है। हाँ सर, ऑडियो भी दे रखी है मैंने। क्या आश्वासन मिला है? विभागीय कार्रवाई के आश्वासन दे रखे हैं उन्होंने। पीड़ित ने सोशल मीडिया पर वायरल किया गालीबाज सीएमएस का धमकी भरा ऑडियो। सिकंदराबाद सीएचसी में तैनात सीएमएस डॉक्टर सिंह पर लग रहे हैं सभी आरोप। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? ये आपको किससे बात करनी है बताइए। आपसे बात करनी है? हाँ बताइए। आपने कोई कंप्लेंट नोट की है? किस चीज की सर? आपने आपने की है? नहीं जी। है नहीं सर। आप बोल कौन रहे, पहले तो ये बताइए आप। अरे नहीं नहीं, आपने क्या करनी है आपको? आप ये बताइए बोल कौन रहे हैं? अरे जो भी बोल रहे हैं ये बताओ, आपने कोई कंप्लेंट वॉच की है? अच्छा, तेरी अम्मा का नाम क्या है? अम्मा ना बता, पहले तो आप तमीज से बात कीजिए सर। अरे तमीज तेरी, ये बताओ पहले तेरा नाम क्या है? कॉल आप कर रही हो, आपको पता होगी। अरे अरे कॉल भी कर रहे हो, ये बता में किसको भेजना है, ये बता। देखिए मैं आपसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। अरे तेरी, तू कल सुबह 10:30 से अस्पताल में आ, कल सुबह तू अस्पताल में, ठीक है? अस्पताल में आ जाएंगे हम, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, लेकिन आप बोल कौन रहे हो? हेलो हेलो, अरे भैया तेरी कंप्लेंट नोट की है डीएम ने। अच्छा, हाँ हाँ, और सीएमओ ने किया है, तू बता रहा है तेरी दवाई को कोई छेड़ रहा है, किसने छेड़ा है ये नाम बता जरा। मेरे पास फालतू की बकवास करने के लिए टाइम नहीं। अरे अरे ये बता तेरी दवाई को किसने छेड़ा है? किसी ने, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी। नहीं नहीं, तुझे साबित करना पड़ेगा, समझे? ऐसा आप फोन रख दीजिए और सो जाइए। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, अरविंद शर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ जी बताइए। हाँ, क्या दिक्कत है तुमको? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत होती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं दिक्कत बता जरा। क्या बताओ, आप बताओ क्या हुआ? नहीं नहीं, क्या दिक्कत है तुमको ये अस्पताल से? अस्पताल से यही दिक्कत है, आपके डॉक्टर का बिहेव अच्छा नहीं लगता मुझे, टाइम टेबल पसंद नहीं आता मुझे। अच्छा, समझ गया ना तू। हाँ, बोल कौन रहे हो तुम, ये बताओ पहले, तमीज से बात करो पहले तुम। तेरी मैया, बोल कौन रहा है, नाम बताओ, नाम बताओ कौन हो? तेरी मैया, नाम बताओ अस्पताल में बोल कौन रहे हो? ये अभी आपके द्वारा
संज्ञान में आया है मामला, इसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कर देंगे। दूसरा दोष किसका हो सकता है, क्योंकि इसकी जांच के आदेश, जो भी जांच की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ। वैसे आप इसे किस हद तक का अपराध मानते हैं? सर, किसी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है, बिल्कुल भी जायज नहीं है, अच्छा नहीं लगता, किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। आरोपी डॉक्टर का गालियों से भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। टाइम 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।